तो हेलो गाइस, कैसे हम सभी लोग, वेलकम बैक न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी मैं छत पे हूँ और अभी मैं ऐश को लेके आया था और अभी ऐश को मैंने उधर सामने बांध दिया और ऐश अभी लेटा हुआ है। और यार आपने कल के व्लॉग में देखा होगा कि मैंने स्कॉर्पियन के बेबी को पकड़ा था और वो इधर ही छत पे फिर रहा था। तो यार मुझे तब उस टाइम पता नहीं था, तो मैंने जैसे ही गूगल पे सर्च किया तो फिर मुझे पता चला कि यार ये स्कॉर्पियन का बेबी है, पहले नहीं मुझे पता था। और यार मैं तो बहुत ज़्यादा डर गया, पहले तो मैं उसको ऐसे ही समझ रहा था क्योंकि उसकी मिलती जुलती नस्ल होगी या ये किसी इंसेक्ट वगैरह का बेबी होगा। तो यार वो तो एक ब्लैक स्कॉर्पियन का बेबी था और वो सच में ही स्कॉर्पियन का बेबी था। उसकी मैंने छोटे होते की फ़ोटो भी देखी थी और अभी मैं आप लोगों को ऐश दिखाता हूँ। अभी मैं ऊपर लेके आया हूँ और अभी ऐश लेटा हुआ है, तो अभी आप लोग ऐश को भी देख सकते हैं यहाँ पे लेटा हुआ है। और अभी ये भी अभी ऊपर ही आया है और इसका आज मैंने हिलाया भी था, देखें थोड़ा थोड़ा गीला भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। और अभी ऐश खुश है नहाने के बाद और उसका पानी वगैरह भी पड़ा हुआ है और अभी ये छींके पता नहीं क्यों मार रहा है। और अभी अंडा देख लेते हैं मुर्गियों का। वैसे मैं थोड़ी देर पहले आया था, मैंने देखा तो था कि मुर्गी बैठी हुई है, तो अभी अंडा भी चेक कर लेते हैं। और यार अंडा तो कोई नहीं है यहाँ पे, बस मुर्गा गुस्सा ही करके दिखा रहा है। और अभी देखें कल की तरह कर रहा है, तो खैर इसको परेशान नहीं करते हम और हम यहाँ से हट जाते हैं। और अभी ऐश बातें सुनने आ गया है। तो गाइस यार मैं नीचे आ गया हूँ और यार अभी मैं आप लोगों को नीचे की भी सिचुएशन दिखा देता हूँ कि नेस्टिंग की है हमारी डायमंड ने या नहीं, तो आप लोगों को भी मैं दिखा देता हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखें यार ये घास कल का पड़ा है और ये आज हम ले हैं। तो यार हम लोग ऐसे घास को फोल्ड कर देते हैं ताकि ये जल्दी सूखे ना और हमारी बकरी हरा भरा घास खाए। तो अभी यहाँ पर भी घास पड़ा है और नीचे इसका कल का घास जो बच गया था वो पड़ा है। और अभी मेरी छोटी बहन ने भी ब्लॉग में आना था और अभी यहाँ पे देखें और यहाँ पे देखें यार डायमंड अब ने कोई अंडा वगैरह नहीं दिया, नेस्टिंग भी नहीं की। और यार मुझे तो इन पर बहुत ज़्यादा अफसोस होता है, अभी तक इन्होंने तो नेस्टिंग ही गायब कर दी। और अभी सामने हमारी डायमंड बैठी है और ये ऊपर की तरफ के देखने लगी हुई है और हमारे बजिस तो कभी अंडे देते नहीं है। वैसे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ और मैं भी देख लेता हूँ, अंडे तो कोई नहीं है, इनसे उम्मीद भी यही थी। और अभी भाई क्या है ये, ओए ये क्या चीज़ है यार, ओए यार ये क्या चीज़ है, ये तो थर्मोकोल के पीस होते हैं वो लग रही है। और अभी इसको देखते हैं, यार मुझे तो नहीं पता ये क्या चीज़ है यार, अगर आप लोगों को पता है कमेंट बॉक्स में बताना। वैसे मैं इसको देखता हूँ यार, ये कहीं स्नेक के एग्स तो नहीं है, अलग तो मुझे एग्स ही रहे हैं लेकिन ये नहीं पता है किस चीज़ के, ये ना हो कि मैं इनको हाथ लगाऊँ और कोई चीज़ डस ले, यार थोड़ा डर भी लगता है। और भी यार मैं किसी कपड़े के मदद से इसको थोड़ा सा हिला के देखता हूँ, ये मुझे थर्मोकोल के पीस तो नहीं लग रहे क्योंकि वो थोड़े सॉफ्ट से होते हैं और उनको देख के पता भी लग जाता है। और यार ये किसी चीज़ के एग्ज ही लग रहे हैं मुझे, और अब मुझे तो नहीं पता, आप लोग ही कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये क्या चीज़ है, मुझे तो नहीं यार इनका पता ये किस चीज़ के एग्ज हैं। वैसे यार अभी मैं ये कपड़े का टुकड़ा ले आया हूँ, ये रुमाल है और अभी इससे मैं देखता हूँ और अभी मैं उठाता हूँ यार इनमें से एक अंडा, और ये अंडा ही है यार, अब तो मुझे कन्फर्म हो गया, आप लोग देख सकते हैं यार ये अंडा ही है। और अभी इसको नीचे गिरने भी नहीं देते और अभी ये यार पता नहीं किस चीज़ ने दिया है। और ये ना हो कि ये किसी स्नेक का अंडा हो, वो इधर ही कहीं फिर रहा और मुझे आके वो काट ले, और यार इस बात का भी खतरा होता है। और ये किसी टिड्डी वगैरह या किसी ऐसी एनिमल का भी अंडा हो सकता है जो छोटे होते हैं। तो यार अब इस क्या करें, मुझे समझ नहीं आ रही है, कहीं गिरगिट के अंडे ना हो, और छिपकली के भी हो सकते हैं ये, अभी मुझे कंफर्म तो किसी चीज़ का नहीं पता। और अभी यहाँ तो मैं गूगल से सर्च करूँगा, यहाँ आप लोग कमेंट में बताना यार आप लोगों को अगर पता है ये किस चीज़ के एग्ज़ हैं। और ये हैं भी बहुत छोटे बजिस के, तो इससे बड़े होते हैं, वैसे भी बजिस यहाँ पर कैसे आ सकते हैं, ये तो पिंजरे में, और डव भी इससे बड़े अंडे ही देती है। तो यार अभी खैर आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताना ये यार पता नहीं किस चीज़ के एग्ज हैं, इन्होंने तो मुझे हैरान ही कर लिया, मेरी तो इन पर नज़र ही नहीं पड़ी थी। अभी यार आप लोग देख सकते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ इन पे। और डायमंड इसको मैंने लाफिंग डव को भी आज उड़ा के देखा था, मैंने इसके पैर पर धागा बांधा था जो पतला वाला होता है और काफ़ी ढीला करके मैंने बांधा था और मैंने इसको उड़ा के देखा तो माशाल्लाह इसने बहुत ऊँची उड़ान भरी। मैं आप लोगों को वीडियो में नहीं दिखा पाया लेकिन आप लोगों को मैं तब दिखाऊंगा जब ये उड़ेगी, आप लोगों ने इसको कभी उड़ते हुए तो नहीं देखा लेकिन आप लोग तब देखेंगे जब ये उड़ेगी। अभी मेरी छोटी बहन भी पकड़ के देख रही है, और ध्यान करना कहीं कि कोई चीज़ आगे में काट ना ले, ध्यान से पकड़ने से। और अभी इसको रख दो वहीं पर ही, और यार दूसरा अंडा भी वहीं पर ही पड़ा, तो खैर अभी बस यहाँ से चलता हूँ।
ना मैं बकरी के पास आ गया हूँ और अभी मैंने बकरी भी नीचे बांधी हुई है और अभी इसको घास डालते हैं। और अभी इसको भूख लगी हुई थी, वैसे तो घर वाले इसको डालते रहते हैं टाइम टू टाइम और इसको भूख नहीं लगती। और अभी आप लोग देखते हैं माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा सेहतमंद भी हो गई है और इसको हर वक्त जब भी इसको ज़रूरत होती है घास की तो हम इसको दे देते हैं। और अभी ये यहाँ पर खुश है। और यार पहले तो ये बहुत बोलती थी जब हमारा भेड़ में छोड़ गया, लेकिन अभी तो खैर ये बेचारी कुछ कह नहीं सकती तो अब तो नहीं है इतना शोर मचाती है। और अगर इसको अपने करीब ना कोई नजर आए फिर शोर मचाती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यार इसको अकेली रहने की शुरू से नहीं आदत होगी। मुझे लगता है ये जहाँ पे पहले रहती होगी वहाँ पे भी इसके साथ काफ़ी ज़्यादा बकरियों का झुंड होता होगा, यहाँ पे इसके साथ कोई ना कोई इसका साथी होता होगा। और अब बेचारी अकेली हो गई है तो अभी खैर यार बस एक अपना गुजारा कर लेती है। इधर अभी बकरी घास खा रही है और अभी इसको घास खाने देते हैं, इसको डिस्टर्ब नहीं करते। ये भी कह रही है कि पता नहीं क्या हुआ ये पास ही बैठ गया, तो अभी इसको घास खाने देते हैं और ऊपर चलते हैं। गाइस यार अभी देखें ऐश यहाँ पे, मैं दोबारा से ऊपर आ गया हूँ और ऐश मेरे पास आगे खड़ा हो गया। तो अभी सामने देखें मुर्गियाँ खुली हुई हैं और अभी मुर्गा भी सामने खड़ा है और ये बांगे दे रहा है। और अभी ऐश देखें यहाँ पे कैसे नाच के दिखा रहा है मुझे। तो खैर यार ऐश पूरा दिन ऐसे ही मेरे साथ खेलता रहता है और जैस तो ऐसे कभी लेट जाता है कभी नाच के दिखाने लग जाता है। तो गाइस यार अभी ऐश को आज नहीं लाया तो आज ये कुछ ज़्यादा खुश है और अभी देखें बार बार मेरे पास आता है और जैसे ही कैमरा ऑन करता हूँ वैसे ही देखें करीब आने लग जाता है। और अभी देखें यार ये कैसे पूंछ हिला रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा है मुझे। और यार जैसे ही मैं कैमरा ऑन करता हूँ मुर्गे इतनी बांगे देते हैं यार, मुझे वीडियो ही नहीं बनाने देते, इनको पता नहीं क्या मेरे से दुश्मनी है। तो अभी खैर ऐश लेट गया है। तो गाइस यार अभी बस आज का व्लॉग इतना ही था। और यार आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना कि यार वो किस चीज़ के एग्स थे। और यार काफ़ी छोटे एग्स थे और मुझे शक पड़ता है कि यार वो कहीं स्नैक के एग्स तो नहीं है, क्योंकि स्नैक भी इतने होते हैं। तो यार अभी बाकी आप लोगों को अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। तो बस आज का व्लॉग इतना ही था, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। अभी दीजिए अल्लाह हाफिज़।